बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली का? उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे, जहाँ भी होंगे और अपने अपने घरों में सलामत होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने घरों में सलामत रखे और आपकी ज़िंदगी में कभी कोई गम ना आए, अल्लाह ना करे आपकी ज़िंदगी में कोई गम आए, अल्लाह करे आपकी ज़िंदगी खुशियों ही खुशियों से भर दे। तो आज की वीडियो का करते हैं आगाज़। तो वीडियो कुछ यूँ है कि ये है मूंजी की फसल। आजकल मूंजी की फसल का मौसम है, मकई और मूंजी की फसल का। ये मूंजी की मशीन है जो मूंजी काट रही है और साथ साथ निकाल भी रही है। और ये देख सकते हैं आप, मूंजी ऐसे काटी जाती है आजकल मशीन के साथ काटने कटवा रहे हैं लोग। तो ये मशीन ऐसी है कि आगे आगे से ये जो मूंजी के छीटे होते हैं उनको आगे से काट लेती है और मूंजी को अपने एक टैंक सा बना हुआ है उसमें जमा करती रहती है और फिर ट्राली में निकाल लेते हैं। तो ये देखें, माशाल्लाह न्यू मशीन है। हो सकता आप लोगों ने देखी भी हो। तो मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे चैनल यानी कि अपने चैनल सरिया जट को सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक करना, शेयर करना, बेल के बटन को भी प्रेस कर लेना और वीडियो मेरी फुल वॉच करना, बेल के बटन को भी प्रेस कर लेना ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। प्लीज़ मेरी वीडियो फुल वॉच करना। और ये देखें कटाई कर रही है, ये मूंजी भी इसको कहते हैं, चावल की फसल है यानी कि धान की फसल है और इसको झोना भी कहते हैं पंजाबी में। तो इन झोना भी आख देने, तो इन मूंजी भी आ देने, झोना भी आ देने। वैसे तो ये धान की फसल है, चावलों की फसल यानी कि ये देखें माशाल्लाह हर तरफ चावल की फसल ही फसल नज़र आ रही है, आपको भी आ रही होगी। तो क्योंकि आजकल मौसम है धान की फसल का। और ये वीडियो भी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ इसकी मशीन के साथ जो कटाई हो रही है। और जो पहले वक्तों में कटाई करके वो झाड़ते थे झोने को, वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी। तो मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे अपने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, बेल के बटन को भी प्रेस कर लेना ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। जो मेरे लिए न्यू है मेरे चैनल पे उनको वेलकम, दिल की गहराइयों से वेलकम करती हूँ उनका। और जिन्होंने पहले मुझे सब्सक्राइब किया हुआ है उनका भी दिल की गहराइयों से शुक्रिया करती हूँ। जो मेरा जो भी मेरे प्यारे प्यारे बहन भाई मेरा साथ दे रहे हैं उनका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करती हूँ। और आज की वीडियो का करते हैं एंड, मिलेंगे किसी अगली न्यू वीडियो के साथ। दुआएं लेते रहें, ऐसे ही दुआएं देते रहें, खुशियाँ उन्हीं के दरवाज़े पे आती हैं, उन्हीं के दरवाज़े पे दस्तखत देते हैं जो दूसरों को अपनी खुशियों में शामिल करते हैं। तो अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।
you.